वेलकम स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे तीसरा और सबसे आखिरी टॉपिक जो कि एक बड़े प्रोग्राम को छोटे पोर्ट्स में डिवाइड करने की कोशिश करता है एग्जीक्यूशन टाइम में, वो है डायनेमिक लोडिंग। अभी लास्ट वीडियो में आपने देखा डायनेमिक लिंकिंग और डायनेमिक लोडिंग, जैसे मैंने बताया भी था कि लिंकिंग और लोडिंग कुछ हद तक थोड़े थोड़े सेम होते हैं। तो देखिए हम डायनेमिक लोडिंग में क्या होता है, डायनेमिक लोडिंग में क्या होता है कि जैसे कि आपका पूरा प्रोग्राम जो होता है, या प्रोग्राम और डेटा की बात करें, हम दोनों की बात करें, तो किसी भी प्रोसेस का प्रोग्राम और डेटा जब फिजिकल मेमोरी में लोड होता है तो वो फिजिकल मेमोरी में लोड इस उम्मीद से होता है कि उसको आप क्या करना है, एग्जीक्यूशन पे लाना है, या ये कह लो दूसरे लफ्जों में कि अगर एग्जीक्यूट करना है तो उसको मेमोरी में आना पड़ेगा, फिजिकल मेमोरी में आना पड़ेगा। अब प्रोसेस का साइज जो है वो लिमिटेड है, और उसका साइज लिमिटेड कैसे है, लिमिटेड टू फिजिकल मेमोरी, क्योंकि फिजिकल मेमोरी का इतना बड़ा साइज थोड़ी है कि पूरी की पूरी प्रोसेस को उठा के ले ले। इसीलिए डायनेमिक लोडिंग का कॉन्सेप्ट आया मार्केट में, और ये आपका मेमोरी स्पेस को यूटिलाइज करने का एक बहुत बेहतरीन तरीका था। इसके केस में होता यह है कि रूटीन जो कि कॉल किया जा रहा है, सिर्फ उस मतलब जो रूटीन को लोड करना है आपको, अभी वो लोडेड नहीं है, कब उसको लोड करना है, जब उसकी कॉलिंग होगी, अदरवाइज वो रूटीन वैसा का वैसे ही पड़ा रहेगा डिस्क के अंदर, और वो डिस्क के अंदर रिलोकेटेबल लोड फॉर्मेट के हिसाब से पड़ा रहेगा, और आपका मेन प्रोग्राम में मेन प्रोग्राम जैसे मेमोरी के अंदर लोड होगा एंड देन एग्जीक्यूशन पे आएगा। अब मान लीजिए कि कोई रूटीन कॉल होता है और वो रूटीन दूसरे किसी रूटीन को कॉल करता है, तो कॉलिंग रूटीन सबसे पहले चेक करेगा कि अदर रूटीन जो है ये ऑटोमेटिकली है भी या नहीं है, मतलब उसको लिया है कि नहीं लिया गया। अगर वो नहीं लिया गया तो रिलोकेटेबल लिंकिंग लोडर जो होता है वो कॉल करता है डिजायर्ड रूटीन को और मेमोरी को अपडेट करता है, और प्रोग्राम को प्रोग्राम की जो एड्रेस टेबल होता है उसके अंदर भी उस चेंज को रिफ्लेक्ट करता है कि हाँ भाई जो आपको चाहिए था वो आ गया। मतलब ये कि मैं जैसे अगर किसी को बुलाऊं और वो अगर इसी कमरे में है तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर क्या होगा कि उसको बुलाने के लिए कोई दूसरा बंदा जाएगा और बुला के लेके आएगा कि भाई आपको बुलाना ही है। तो ये कुल मिला के इस तरह से ये रिफ्लेक्ट चेंज करना है, और वहाँ पे एंट्री भी चेंज हो जाएगी कि कितने लोग बाहर गए कितने अंदर आ और अभी फिलहाल कौन किससे क्या बात कर रहा है। तो कुल मिला के आपका जैसे कंट्रोल जो है वो हमेशा न्यूली लोडेड रूटीन को है जो है उसको पास कर दिया जाता है। मतलब आपने प्रोग्राम लोड करा तो उसके सारे रूटीन कॉल नहीं किए जाते, जो रूटीन मौजूद होगा उसको कॉल करा, लिया, आ गया। अब उस रूटीन ने दूसरे रूटीन को कॉल कर दिया तो वो रूटीन चेक किया जाएगा कि मेमोरी में है, लोडेड हो चुका है क्या, नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो रिलोकेटेबल लिंकिंग लोडर पे जाएगा वो, और क्योंकि लिंकअप्स हैं, आपको मैंने बोला ना कि आपको जैसे रूटीन टू रूटीन लिंकिंग है, तो अभी हमने डायनेमिक लिंकिंग पढ़ी तो है, तो अगर मान लीजिए किसी ए नाम की रूटीन ने किसी बी को कॉल करा है तो उन दोनों ए और बी के बीच में कपलिंग होगी, जो कि अभी इससे पहले वाले टॉपिक में था डायनेमिक लिंकिंग में। वो ए ने बी को बुलाया और बी अब लोड होगा, तो अब दो बातें होंगी, या तो बी ऑलरेडी वहां पे मौजूद था या बी नहीं था। अगर नहीं था तो बुलाइए, और अगर है मौजूद तो कोई बात ही नहीं है, चालू कर दीजिए काम, उसके हाथ में चार्ज दे दीजिए, उसके हाथ में कंट्रोल दे दीजिए। अब जैसे ही उसको मान लो मेमोरी में नहीं था और बुलाया, तो जाहिर सी बात है आपका प्रोग्राम का एड्रेस टेबल जो होगी वो पूरी की पूरी चेंज करेंगे, और उसमें रिफ्लेक्शन दिखेगा कि हाँ फिलहाल किसने किसको बुलाया और उसका नंबर क्या है। सबसे ज्यादा एडवांटेज जो डायनेमिक लोडिंग का है वो ये है कि अनयूज्ड रूटीन को वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करती मेमोरी के अंदर। मतलब ये कि जो फिलहाल मौजूद है रैम के अंदर वो चालू हालत में रहेंगे, फालतू आके टाइम वेस्ट नहीं करना, मेमोरी के साइज को खाना नहीं। इसीलिए क्या है कि आपके पास जो भी आप केसेस चल रहे हैं, जो मतलब जिस तरह से आप ये जो एरर आ जाती है ना, वो जो कभी कभी प्रोग्राम में वही होती है कि आपने किसी रूटीन को जिसका काम था भी नहीं वो पहले से ही आके बैठ गया, और जो उस रूटीन का काम था उसके लिए जगह ही नहीं बची। तो ये मेथड अगर आप डायनेमिक रखोगे ना, तो इसमें होगा यूं कि प्रोग्राम का जो लंबा बड़ा सारा साइज है वो ऐसे छोटे छोटे पोर्शंस में टूट जाएगा कि आपके छोटे छोटे पोर्शंस जल्दी जल्दी सॉल्व होना जानते हैं। मैंने आपको याद है कुछ टाइम पहले एक एग्जांपल भी कोट किया था कि एक ट्रक में आप सामान लेके जा रहे हो तो वो 40 की स्पीड से जाएगा, लेकिन एक कार में जाओगे तो स्पीड तेज हो जाएगी क्योंकि कार का साइज छोटा होता है। माइलोमीट्रिक में कार की रीडिंग ज्यादा इसलिए भी दिखाई जाती है क्योंकि उसका इंजन उतने पावर को खींच के जल्दी से पहियों को घुमा के आगे ले जा सकता है, तेज ले जा सकता है, इसलिए कार का आरपीएम ज्यादा होता है, ट्रक का कम होगा। तो वैसे ही है कि लार्जर द प्रोग्राम साइज स्लोअर द प्रोसेस। अगर आपने बड़े प्रोग्राम साइज को छोटे छोटे पोर्शन में स्मॉलर पोर्शन में तोड़ा तो स्मॉलर द पोर्शन ग्रेटर द साइज ग्रेटर द स्पीड। तो कुल मिला के हम ये जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसी लिए पढ़ते हैं लिंकिंग और लोडिंग का। तो मैंने लिंकिंग और लोडिंग के वीडियोस दो हैं, लेकिन आप इसको जो पढ़ें तो साथ में पढ़ें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि लिंकिंग है तो लोडिंग होगी कुल मिला के। इसलिए शायद वो पहली लाइन लिखी गई थी लिंकिंग में कि एक्चुअली दीज आर द सेम प्रोसेस, और कभी कभी साथ भी पूछ लिया जाता है दोनों, तो इसलिए इसको ध्यान से देखें। थैंक यू सो मच।